हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज बनाने वाला हूँ मैं टमाटर सूप, ख़ास सर्दियों के लिए और वेजिटेरियन लोगों की ख़ास पसंद टमाटर सूप। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और रेसिपी अगर अच्छी लगे आपको तो ज़रूर लाइक शेयर कर देना फ्रेंड्स। तो आज बनाएंगे हम टमाटर की सूप, कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ लहसुन और अदरक दिया है, दालचीनी और कुछ काली मिरी, यहाँ पे लेमन ग्रास मैंने थोड़ा लिया है, और ये मैंने 3 टमाटर काटा है, ये थोड़ा सा मैंने आधा गाजर भी लिया है यहाँ पे, और ये आधा मैंने प्याज काटा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करने के बाद सबसे पहले ये कढ़ाई लेंगे। आप कोई भी बर्तन ले सकते हो, आप चाहे नॉनस्टिक का है चाहे जो भी आपके पास है। इसमें 2 से 3 चम्मच हम इसमें तेल डालने वाले हैं, रिफाइंड तेल। तो जैसे ही ये गर्म होगा फ्रेंड्स, अब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन की कुछ कलियाँ। ये मैंने मोटा मोटा रखा है लहसुन, क्योंकि बाद में हमने मिक्सर से ही निकालना है, इसलिए बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आप चाहे तो बारीक काट सकते हो, लेकिन मैंने नहीं काटा है। और ये खड़े मसाले दालचीनी और काली मिर्ची इसी के साथ जाएगा। इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, हल्का ब्राउन हो जाए। इसके बाद इसमें डालना है आधा कटा हुआ प्याज, इसको भी अच्छी तरह से चलाना है और हल्का ब्राउन करना है फ्रेंड इसको। जैसे ही हल्का ब्राउन हो जाएगा, इसके बाद इसमें डालेंगे आधा कटा हुआ गाजर, इसको भी अच्छा सा रोस्ट कर देना है इसी मसाले के साथ, प्याज और खड़े मसाले के साथ। और अब हम इसमें डालने वाले हैं कटे हुए टमाटर। सो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी होने वाली है, और ख़ास सर्दियों के लिए बनाई गई है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोटे बच्चों को और घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं तो उनको आप डेली भी पिला सकते हो जूस, ख़ासतौर सर्दियों के टाइम पे। बहुत ही हेल्दी होने वाला है, और जो लोग वेजिटेरियन लोग हैं ना, उनके लिए तो सबसे बढ़िया है ये सूप। इसको रोस्ट करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच नमक, ताकि जो ये टमाटर और ये गाजर है ये थोड़ा सा जल्दी गल जाए। तो इसको रोस्ट करना है फ्रेंड, अभी पानी नहीं डालेंगे इसमें। अच्छी तरह से रोस्ट होने के बाद हम इसमें थोड़ा देर 2 से 3 मिनट तक इसको ढक के रखेंगे स्लो आंच पे। तो जैसे कि देख सकते हैं कि 2 या 3 मिनट होने के बाद हम दोबारा इसको मिक्स करेंगे, तो हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, नमक डालने से काफ़ी सॉफ्ट हो गया है ये। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये देख लीजिए, अब बहुत ही अच्छा दिख रहा है। हम डालेंगे इसमें 1 से 1.5 कप पानी, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 टमाटर ले आए, तो यहाँ पे 2 कप पानी जाएगा फ्रेंड्स। सूप ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा गाढ़ा भी ठीक नहीं लगता। इसको अच्छी तरह से उबालेंगे, अभी कम से कम 5 या 6 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो 5-6 मिनट के बाद हम दोबारा इसको चेक करेंगे, ये अच्छी तरह से उबल रहा है, गैस मैंने हाई फ्लेम पर रखा है। इसको अच्छी तरह से बॉयल होने देना है आपने, ताकि इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छी तरह से आए, ताकि वो दालचीनी का हो गया या काली मिर्च हो गया या लेमन ग्रास का हो गया, उसका फ्लेवर भी आना चाहिए अच्छा सा। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसको 2 मिनट के लिए वापस हम ढक के रखेंगे। 2 मिनट के बाद हम वापस इसको चेक करेंगे। इसमें मेन ये होता है फ्रेंड्स कि टमाटर तो जल्दी गल जाता है, लेकिन जो हमारा जो गाजर रहता है ना, उसको थोड़ा पकने में टाइम रहता है। तो यहाँ पे गाजर भी ऑलमोस्ट पक चुका है, एक देख सकते हैं यहाँ पे गाजर भी पक चुका है। अब इसे पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अब गैस को कर देंगे बंद। इसको हमें ठंडा होके, ये मैंने आधा घंटा ठंडा होके पंखे के नीचे, अब मैं इसको मिक्सर में डालूँगा। एक ही बार में नहीं जाएगा, इसको आधा आधा करके मिक्सर में डालूँगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आधा आधा करके 2 बार में पीसूँगा इसको। और इसके लिए एक बर्तन में छन्नी के ऊपर, लोहे की छन्नी, और इसको छान देंगे। अब इसको अच्छी तरह से छानना है। आपके पास अगर लोहे की छन्नी नहीं है तो आप प्लास्टिक की छन्नी से भी छान सकते हो। तो जो ये बची हुई सब्जी है, इसको वापस से मिक्सर में डालना है। अभी इसमें काफ़ी कुछ बाकी है, और जो बचा हुआ आधा जो सूप है, उस वापस मिक्सर में डाल के एक दोबारा इसको मिक्सर से निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो ये 2 बार मिक्सर से निकालने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, अभी लास्ट का है ये। इसको अच्छी तरह से निकालना है। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, जो इसका कलर भी देख सकते हैं, काफ़ी डिफरेंट हो चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका कलर। अब हम एक बार फिर से गैस को ऑन करेंगे और वापस इसको एक उबाल इस पे और आने देंगे फ्रेंड्स। इसको उबालते समय आप चलाते रहिए फ्रेंड्स। और इसमें अब हम ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो ज़रूर बोलना, अगर गलत भी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे उबाल करने के बाद अब थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा सूप है वो कितना तैयार हुआ है। तो बहुत ही परफेक्ट इसका टेस्ट आ रहा है। और अब हम इसको एक सूप बॉल में निकाल लेंगे। गर्मा गर्म सूप आप चाहे तो टोस्ट के साथ देख सकते हो, या बिना टोस्ट के भी आप इसको सुबह शाम सर्दियों